देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वेलकम टू अल्पनली बेकर्स जेली बेकर्स स्टूडियो सीजन 2। मैंने सुना आपने इंदौर के बेकिंग सीन को बिल्कुल हिला दिया है। एक साथ स्टेज पे जाके पास हुए हैं। फैमिली मेंबर्स की जरूरत है तो आप उनकी हेल्प मांग सकते हैं। आपके लिए एक खास सरप्राइज है। गुड डन कनिका मां। वाव, अलग ही पता चल रहा है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कैरीड अवे हो गए। Super Bakers and welcome to Alpenli Bejaz Jelly Bakers Studio Season 2. Hello, Chef. So, Prishita, you're from Indore. And मैंने सुना आपने इंदौर की बेकिंग सीन को बिल्कुल हिला दिया है. So, how did that happen? Suppose मेरे पास केक्स के ऑर्डर आ रहे हैं. उसके साथ में मैं एक उन्हें छोटा सा सैंपल प्रोवाइड करती थी फॉर द एंट्रीमेज. तो जब उनने वो चीज टेस्ट करी, जब उन्हें वो फ्लेवर्स पता चले, उसके बाद तो किसी ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो कुछ इस तरह रही जर्नी। वेल डन रुचा। यस शेफ। आप मुंबई से हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो ये न्यूट्रिशनिस्ट से बेकर कैसे बनी आप? एक्चुअली बहुत फनी स्टोरी है कि मैं लोगों को पहले पतला करती थी, अब मोटा करती हूँ। माय मॉम इज द वन हु पुश्ड मी इनटू बेकिंग। मुझे पुश कर रही थी, खुद भी पुश हो गई, मुझे लेके पुश हो गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि शी वॉन्टेड टू गो एंड लर्न पेस्ट्री। तो आप दोनों एक साथ एक ही कॉलेज से पास हुई? एक साथ एक ही कॉलेज से, एक साथ स्टेज पे जाके पास हुए हैं। वाओ, रियली हैट्स ऑफ टू यू। प्रज्वला जी, सो आप गोवा से हैं और गोवा के अंदर सेलिब्रेशंस के अंदर एक केक होना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो आपका कंपटीशन भी आसपास काफी स्ट्रांग होगा। गोवा का अपना खुद का फ्लेवर्स है, जैसे कि बात हुआ, बिबिंका हुआ, दोदल हुआ, तो गोवा का एक पोर्तुगीज से लिया हुआ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे बेकिंग में भी थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस आ जाए। फैंटास्टिक। बच्चों तीनों यहाँ आ जाओ। How's it? It's yummy. It's yum? Yeah. So Super Bakers, आप समझ ही गए होंगे कि आज का फ्लेवर है Alpenliebe Joss Jelly Guava. And the theme is Go Guava Vacation Time. Yay! जैसे ही बताया Alpenliebe Joss Jelly का हमें गुवावा फ्लेवर यूज करना है, तो फूड पेयरिंग चालू हो गई दिमाग में। इससे पेयर कर सकते हैं, उससे पेयर कर सकते हैं, ये आपका वर्क फ्लो बन सकता है। गुड लक चार्म के रूप में ये है Alpenliebe गुड लक जेली। ये जो गुड लक जेली है, ये जाकर आपको हमारे सुपर बेकर्स को खिलानी है। हमारी जो फैमिलीज हैं, उनके लिए खास हमने पेविलियन तैयार किया है। आज आपको दिए जाएंगे दो चैलेंजेस और जो विनर होगा उसे मिलेगा बेकर स्टूडियो शेफ कोट, बेकिंग हैट, पोशानदार ट्रॉफी और एक अल्टीमेट professional baking setup worth rupees 3 lakh. And that's not all. Iske saath saath aapko milega ek opportunity, aapki aur aapki family ki photo aayegi Alpenliebe Joss Jelly ke back par. If you believe that, it's truly a real ambassadorship. Aaj ka pehla challenge hai plated dessert. Aur uske andar haath ka hunar hai petit four. तो पेटी फोर इज अ फ्रेंच टर्म, इट मींस स्मॉल ओवन। तो जिसको स्मॉल हीट, कम हीट में बनाया जाए, राइट? सो आई एम गोना शो यू व्हाट अ प्लेटेड डेजर्ट लुक्स लाइक नाउ। टाटा। स्मॉल बाइट साइज ट्रीट जिसे आप हाथ से उठा के खा सकते हैं। इतना याद रहे, आज जो भी डेजर्ट आप बनाते हैं उसके अंदर आपका की इंग्रेडिएंट होना चाहिए Alpenliebe Joss Jelly Guava, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारे साथ जुड़ने वाली है एक खास मेहमान। प्लीज वेलकम द वेरी स्पेशल, द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी फेमस एक्टर, आवर वेरी ओन गुड डन कनिका मां। इंडिया के इकलौते बेकरी शो के टॉप 15
सुपर बेकर्स, उनमें से तीन यहाँ पर थे, तो मुझे लगा यार पहुंचूं, देखूं, चखूं क्या बना रहे हैं, मतलब दैट्स द ओनली रीजन आई एम हियर। बहुत स्वीट है वो भी, उनने आके सबसे इंटरेक्शन किया, काफी अच्छा लगा कि लोग इतना हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो देखिए मुझे पता है कि चैलेंज शुरू होने से पहले ना दे ओपन चुपारुस्तम बॉक्स फॉर सम इंग्रेडिएंट्स अपने अपने छुपे हुए, तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी तरफ से इस चुपारुस्तम बॉक्स में कुछ छुपाया जाए। So that's gonna be the Kanika flavor. So on the count of 3, 2, 1. Reveal. Ta-da! Oh, masale. Of course. वाह. मेरे लाए गए इस चुपा रुस्तम ingredients में से हर किसी को ना दो दो ingredients तो use करने हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा मतलब वेट ऑफ माय शोल्डर्स ऐसे हो गया, क्योंकि मुझे स्पाइसेस चाहिए थे और मुझे स्पाइसेस से खेलने मिला। इस चैलेंज के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा और इस चैलेंज में जो अव्वल आएगा उसे एक एडवांटेज मिलेगा इन द नेक्स्ट राउंड, जो मैं बाद में बताऊंगी। ऑल्सो इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा अगर आपको कुछ और इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो ट्रेजर ट्रोव आपके लिए खुला है, लेकिन कनिका द कैच इज 60 सेकंड्स में इन्हें सारा कुछ ले लें। ओके नाइस। ओके तो चलिए फिर ऑन द काउंटडाउन ऑफ 3, 2, 1 एंड रन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी 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 गाइस। सारे स्पाइसेस जो चाहिए थे वो एकदम सामने थे, तो एक साय ऑफ रिलीफ था कि ठीक है मुझे जो चाहिए एटलीस्ट वो मुझे मिल गया है। सुपर बेकर्स याद रहे, ट्रेजर ट्रोव से एल्पेनलीबे जसजली गुआवा उठाना मत भूलेगा, क्योंकि उसके अंदर होता है 25% रियल फ्रूट पल्प। चैलेंज के लिए तैयार हैं? यस शेफ। रेडी सेट बेक। एक घंटे में एक प्लेटेड डेजर्ट बनाना जिसमें आपने इतने सारे एलिमेंट्स रखे हैं बहुत बड़ी बात होती है, तो वर्क फ्लो एकदम प्लान्ड था, तो बस चालू कर दिया था उसी फ्लो में। हेलो हेलो हेलो, तो क्या बना रहे हो आप? आई एम मेकिंग समथिंग रिजेंबल माय गोवा, बिकॉज वेकेशन थी मैं और गोवा वेकेशन के लिए लाइक द बेस्ट। आप अगर ये 4 शेल्स बना रहे हो तो मे बी कॉन्सेप्ट सेम रखो लेकिन फिल इट विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। श्योर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, बहुत कुछ पका रहे हो कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है? नहीं नहीं, मजा भी आ रहा है। तो वो स्पाइसेस बता दो मुझे जो आप यूज कर रहे हो। पेपर एंड सिनेमन। सिनेमन वाली ना खुशबू एक अलग आती है। आई कैन सी कि आपको सिनेमन पसंद है। मुझे बहुत बहुत। आई थिंक एक बाजी तो आपने मार ली है ना। प्रशिदा, हेलो शेफ। हाय, क्या बन रहा है? मैं ऑन्ट्रो में बना रही हूँ। तो क्या फ्लेवर होगा उसका? एल्पेनलीबे जसजली का गुआवा फ्लेवर यूज कर रही हूँ मैं, तो एक खट्टा ट्विस्ट भी आ जाएगा उसमें। बहुत बढ़िया। ओके गाइस, अब बस 10 मिनट बचे हैं, प्लीज थिंक एंड पुट इट ऑल डाउन नीटली क्लियरली। क्विक 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 रश। ऑलराइट सुपर बेकर्स, द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Stand back and stop the bake. Well done. अब समय है आपकी बनाई हुई क्रिएशंस को टेस्ट करने का। Very beautiful. I think you've put your heart on this plate and it works beautiful. Thank you, chef. और वो गुआवा अलग ही पता चल रहा है। थैंक यू। टू गुड। ऑन द ऑनसेट द डेजर्ट लुक्स फैंटास्टिक, लग रहा है कि एक रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है। टेस्ट में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द मूंस, इट्स अ वेरी गुड टेस्टिंग डेजर्ट। उन्हें टेस्ट पसंद आ गया, उन्हें लुक पसंद आ गया, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया हो। नाइस, फिर से वो गुआवा वाला वापस से वो पूरा फील आया। टू गुड, बहुत अच्छा है। रुचा, आई लव योर डेजर्ट, बहुत अच्छा है। इट्स क्रीमी चॉकलेटी, उसके अंदर गुआवा का फ्लेवर है। आई कैन डिस्टिंक्टली टेस्ट द स्पाइसेस। हमारा आज हाथ का हुनर था पेटिफोर।
What is the metaphor जो मैंने बार बार समझाया? I should be able to pick it up from my hand and put it in my mouth. I cannot do that with this. All you needed to do is cut this into 4 pieces or 3 pieces. Thank you, sir. मुझे लग तो रहा है कि अगर मैंने छोटे पीसेस में कट किया है तो ज्यादा बेटर होता क्योंकि पेटी फोर की थीम थी बट एट द सेम टाइम चूकेंगे तभी सीखेंगे अब इसको मैं हाथ से उठा के देखूंगी और जज करूंगी कि मैं इसे हाथ से उठाई तो मैं खा सकती हूँ कि नहीं मेरा मुंह खराब नहीं हुआ तो यू विन दैट पार्ट आपका पेटी फोर बहुत अच्छे से आपने उसका conceptualize किया पर उसे थोड़ा ज्यादा भर दिया जब हम प्लेटेड डेजर्ट की बात करते हैं ना कम ज्यादा होता है मतलब less is more. तो point of presentation, ये weak है. Taste wise, it's unique, it's tasty. I will definitely push myself. Winning or losing is a second part. The most important thing कि आप वो top 15 में आ चुके हो. Super Bakers, अब समय है आपकी बनाई हुई creations को numbers देना. जो रेटिंग है वो 10 में से है रुचा आपको मिले हैं 8 प्रशिता यस शेफ पैटिसरी शेफ हैज टू हैव सम स्पेशल स्किल्स एंड आई थिंक गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद दैट वी ऑल लव्ड योर डिजर्ट सो प्रचुला जी आपका डेजर्ट टेस्ट में तो मतलब अव्वल था आपके इस टेस्टी डेजर्ट के लिए हम आपको दे रहे हैं 10 में से 7 out of 10 The super baker who has got the maximum marks gets an advantage. Ooh, wow. Congratulations, Rishika. इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो ट्रेजर ट्रोव में नहीं है तो अगले चैलेंज में आपको ये एडवांटेज है कि आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं तो चलिए एक चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया मजा आ गया और अब कनिका जी के जाने का टाइम भी आ गया मुझे आप सबके साथ बहुत 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 मजा आया सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू थैंक यू सो मच लवली मीटिंग यू ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच So the final challenge of today, the ultimate bake-off begins. And is ultimate bake-off ka theme kya hai? Go Guava, it's vacation time. Which obviously means ki aapko apne cake mein Alpenliebe Just Jelly Guava flavor use karna hai. As always, aapko is round ke liye milenge 2.5 ghante and hamari taraf se aapko 3 flavored sponges bhi diye jayenge. Is round mein aapko banana hai आपका अब तक का सबसे बेहतरीन केक जिसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए क्योंकि अगले राउंड में डामाडोल होने के चांसेस हैं जिन्हें कम मिले हैं दिस इज योर चांस टू मेक अप ट्रेजर ट्रोव से आप जितना भी सामान चाहें ले सकते हैं लेकिन उसके लिए मिलेंगे सिर्फ 60 सेकेंड तो शुरू होते हैं अब गो रन Don't forget to pick up Alpenliebe Just Jelly Guava flavor kyunki isme hai 25% real fruit pulp. Come on, jaldi kijiye. So the final challenge of today, the ultimate bake-off begins. Ready, set, bake. मेरा सिंप्लिसिटी पे ज्यादा फोकस है और मुझे ये पता है कि पहले राउंड में मैंने जहाँ मार खाई थी वो मुझे इस सेकेंड राउंड में इनकॉर्पोरेट करना है एंड आई हैव टू डिपिक्ट माय स्टोरी वेरी नाइसली फर्स्ट ऑफ ऑल केक आई नो वेरी वेल आई न्यू माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाज अ केक नाउ अभी मुझे पूरा फोकस करना है थीम पे प्रज्वला नाइस स्माइल एवरीथिंग अंडर कंट्रोल वेकेशन का थीम जी मेरा फेवरेट कश्मीर है सो आई एम बीइंग रिलेटेड टू द कश्मीर ओह नाइस दैट्स वेरी नाइस ऑल द बेस्ट एंड बक अप आई वांट टू सी देम इन स्पीड या या हाय प्रीशिता हेलो शेफ व्हाट्स अप इंडिया में
जितने वेकेशन के स्पॉट्स हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ मैं उन्हें कवर करूँ। तो जितने स्पॉट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं। जी। टाइम बहुत कम है, क्या आप अपना राउंड वन का सक्सेस रिपीट कर पाएंगे? डेफिनेटली शेफ, आई एम 100% श्योर, मैं तो मेरा बेस्ट दूंगी। दोनों शेफ का एक ही कंसर्न था, टाइम पे खत्म होगा या नहीं। बस थोड़ा सा एक उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं सोच लिया है। ऑलराइट गाइस, एक घंटा बचा है, फुर्ती दिखाइए थोड़ी, अभी बहुत दूर है दिल्ली। अल्फिलिपी जेली इज वेरी वर्सटाइल प्रोडक्ट, आप उसको अपनी बेकिंग में या फिर इवन इन द कुकिंग यू कैन यूज इट। अल्फिलिपी जज जेली में 25% फ्रूट पल्प है, और सेकेंड बड़ी बात है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर है जो आज के टाइम पे बहुत जरूरत है। स्माइल कर दिया करो, बनाने से इतना स्ट्रेस क्यों? सब कुछ अंडर कंट्रोल? वेरी मच। आपको पता है ना कि आपके और प्रिशिता के बीच में सिर्फ एक मार्क का डिफरेंस, वेरी स्मॉल बट इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। मुझे ये पता था मुझे सेकेंड राउंड में टाइम मैनेजमेंट और बेहतर करना है, इसके लिए मैंने एलिमेंट्स कम किए, फ्लेवर्स को और रिफाइन किया। अगर फैमिली मेंबर्स की जरूरत है तो आप उनकी हेल्प मांग सकते हैं। कम मुझे पता था मुझे मेरी माँ की मदद मेनली फॉन्डेंट वर्क करने में लगेगी, क्योंकि उसका हाथ, उसका काम बहुत सफाई से करती है वो। मम्मी ब्लैक कलर दो। मैं उनको एक चीज बोल रही थी कि मम्मा आपको ये बनाना है, विद इन 5 मिनट्स वो चीज रेडी थी, एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था वही था। ऑलराइट सुपर सेवर्स, आपने आपके सुपर बेकर्स की बहुत मदद की है, अब प्लीज आप अपने रॉयल सीट में वापस पधार जाइए। बाय बाय मम्मीज। कम ऑन, थैंक यू सुपर सेवर्स। All right, guys, last 60 seconds. Come on, finish off your cakes now. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. That's it. Stand back and stop the bake. प्रज्वल और प्रशिता का केक देख के मुझे ऐसे लगा शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था, मैंने केक बहुत सिंपल रखा है, शायद यहाँ सिंपल जाना वाज अ बैड आइडिया। वाओ, ऑलराइट, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट। आई एम लाइकिंग दिस लिटिल यू नो विटी कमेंट्स, वेरी नाइस। वन लेयर इज आलमंड ब्रिटल एंड अनदर इज अ कॉम्पोट। जो आमंड क्रंच आपने बीच में डाला, फॉर मी दैट वाज अ वेरी मैजिकल इंग्रेडिएंट। बात करें फ्लेवर्स की, स्ट्रॉबेरी इज वन ऑफ माय गो टू फ्लेवर्स अलोंग विद गुआवा। सो स्ट्रॉबेरी भी है, गुआवा भी है, टोस्टेड आलमंड्स, ऑल इन ऑल अ ग्रेट केक। थैंक यू सो मच। नाइस, वेरी नाइस। रजुला जी शेफ, मेरे लिए जहाँ थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है वो आपके फ्लेवर कॉम्बिनेशन में लग रहा है। क्रीम चीज मुझे बहुत ओवरपावरिंग लग रही है। ओके, बट आई लव इट। जब आप पहाड़ पर चढ़ाई की सोचते हैं और चलते हैं, या तो आप पहुंच जाते हैं या लुढ़क कर वापस गिरते हैं, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपके केस में क्या होता है देखते हैं। थैंक यू सो मच। पूरा भारत आपने इस केक में उतार के आप ले आए, भारत के वेकेशन स्पॉट्स को। थैंक यू शेफ। केक ऐसा केक है कि आप ऑलरेडी एक बढ़िया सी, जिसे कहते हैं ना ऊंची दुकान, वहां पर ऊंचा प्राइस पे जिसे बेच सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ, इट मींस अ लॉट। तो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है ये कमेंट्स, बहुत ज्यादा। काम की तारीफ जो रहती है वो इंसान दिल से करता है, वो चीज़ आप कभी फेक नहीं कर सकते हो। तो आई गेस वो ही मेरा विनिंग मोमेंट था। अब बारी है स्कोर्स की। प्रज्वला, जो आपने पहले राउंड में बनाया था वर्सेस जो सेकंड राउंड में बनाया, इट्स अ बिग कमबैक। फॉर दैट वी हैव गिवन यू एन 8। थैंक यू। आपका स्कोर हो गया 15 out of 20। थैंक यू सर।
प्रशिता। यस शेफ। बहुत ही क्लीन केक था, क्लीन डिपिक्शन था, सो फॉर दैट हाउ मच डू यू गेट? सो यू गेट एन 8। ये लेकर आता है आपके स्कोर को 17। अब रुचा आपकी बारी। यस शेफ। क्रिएटिविटी 10/10, स्किल 10/10, लेकिन टेस्ट 10/10। सो दैट मेक्स यू द सुपर सुपर बेकर ऑफ टुडे, द सुपर स्टार ऑफ टुडे। बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत शॉक भी था, एंड फाइनली व्हेन इट सेटल्ड मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि तू जीत गई है, यू हैव डन इट। बहुत अचीवमेंट वाली फीलिंग आई थी। अल्पलीबे जस्ट जेली बेकर स्टूडियो सीजन 2 में आज सुपर बेकर्स हमें ले गए एक मेमोरेबल वेकेशन पर। अगले हफ्ते फिर यहाँ होंगे इंडिया के 3 सुपर बेकर्स और होगा बेकिंग का मैजिक। आप भी अपनी रेसिपीज में यूज करते रहे अल्पलीबे जस्ट जेली और चलते रहने दीजिए अपनी फैमिली में बेकिंग की मस्ती।